तो दोस्तों आप देख रहे हैं एक और गॉर्डन मार्कोस। चलो मैं आपको बताता हूँ आज कि आप ये सी एस सी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह कर सकते हैं, वो भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल स्मार्टफोन। सबसे पहले आप ओपन कीजिए csc.gov.in। नेटवर्क स्लो चल रहा है मैं अभी, पहले मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, मैंने इसका निकाल लेता हूँ एक बार लिंक। register.csccloud.in इस लिंक पे आप जाइए और न्यू सी एस सी एप्लीकेशन यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिए। उसके बाद ऑथेंटिकेशन टाइप प्लीज फिंगरप्रिंट से OTP आप किसी भी कर सकते हैं, मैं OTP ले लेता हूँ। उसके बाद कैप्चर कोड 8 7 6 9 0 सबमिट। आप यहाँ पे एग्री कर दीजिए, यहाँ पे जनरेट OTP। उसके बाद OTP रिसीव होगा। OTP रिसीव होगा मैंने, आप देख सकते हैं 9 6 9 8 1 4 वैलिडेट। कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद CSC क्यू नेम्स एक बार फिर से चेक करिए आप इसमें क्या क्या आपको अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। आप एरिया यहाँ पे एरिया डाल सकते हैं। सेकंड टैब में आप बैंक का नेम, अकाउंट होल्डर नेम्स, अकाउंट नंबर डालिए। उसके बाद आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड का नंबर डालिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे उसकी कॉपी जो कि 2 MB से कम हो। उसके बाद कैंसिल चेक की कॉपी भी आपको अपलोड करनी है, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं दी है उन्होंने, जो जिसमें कि कुछ आपकी जो इतना हो या उतना हो उसके अंदर कुछ भी दिया हुआ नहीं है, आप जितना MB चाहिए उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपने फ़ोटो के इनसाइड फ़ोटो निकाल लीजिए जो कि जियोटैग की हुई हो। जियोटैग में आप ऑनलाइन गूगल पे डाल के देख सकते हैं। जियोटैग मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जियोटैग ऑनलाइन यहाँ पे किसी से भी आप ऑनलाइन जियोटैग करा सकते हैं। आपको एक बार बता देता हूँ किस तरह से करा सकते हैं आप। अपना ईमेल एड्रेस मांग रहा है तो मैं इस पर देख लेता हूँ एक बार।
यहाँ पे आप बिना कोई साइनिंग के फोटो जियो टैग कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पूछ रहे आपको किस लिए फोटो चाहिए, आप सीएससी के लिए कर सकते हैं। बैक लीजिए, अपलोड फोटो। फोटो अपलोड कीजिए, डॉक्यूमेंट से अपलोड कर देता हूँ। कौन से फ़ोटो ले सकते हैं इसके अंदर, मैं इस फोटो को दिखा देता हूँ। अपलोड हो रहा है। इसको कीजिए आप, यहाँ पे अपना ये सर्च कर लीजिए। जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ, ये नहीं मैंने सर्च कर लिया। यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यहाँ पे अपने ये सर्च कर लीजिए। उसके बाद टैग फोटो, फोटो टैग, उसके बाद डाउनलोड फोटो पे क्लिक कीजिए। स्टार्टिंग डाउनलोड, यहाँ पे देख रहे हैं आप फोटो जो है जो टैग हो गया है। देखिए यहाँ फोटो जियो टैग हो रहा हो गया है, अब डाउनलोड हो रहा है। इसमें एक बात और बता देता हूँ आपको, अगर आपके पास मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कीजिए, अपने ईमेल से भी आप रिसीव कर सकते हैं। अब देखिए मेरे ईमेल में भी वही ओटीपी आया हुआ है, दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए अभी का है ये ओटीपी, आप इसमें देख सकते हैं ओटीपी यहाँ पे मिला हुआ है। जियो टैग करके आपने ये फोटो भी डाउनलोड हो गया है। इसको अब आप इसमें देखिए कहाँ पे जियो टैग होता है, किस तरह आप देख सकते हैं उसको। यहाँ पे मोर पे क्लिक करके आप डिटेल्स देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे दिखाएगा लोकेशन के अंदर, यहाँ पे जो लोकेशन है अम्बाजोर रूरल मास्टर जो पिन कोड के साथ दिखाता है। ठीक है, अभी आप अपने चले जाइए। उसके बाद इनसाइड आउटसाइड की फ़ोटो निकाल लीजिए। इनसाइड की फ़ोटो आप अपने अपने जो है पीसी के साथ फ़ोटो निकालिए, उसमें आप भी दिखनी चाहिए। इस तरह से निकालिए तो आपका जल्दी से एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है तो इसके अंदर देखिए आप क्लिक टू में क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये जो है आप जो है गूगल मैप पे अपनी एक्यूरेट लोकेशन को बता सकते हैं कि मैं जो है अभी इस समय या इस जगह पे लेना चाहता हूँ सीसी सेंटर, तो एक बार चेक कीजिए इसके ऊपर।
इसको जूम करके देख देख सकते हैं आप। थोड़ा वेट लग रहा है, प्लीज वेट। ये देखिए यहाँ पे हमें जो दिख रहा है, तो बड़ा जूम कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखो लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड यहाँ पे आ गया है, इसमें आप अपडेट लिस्ट कर दीजिए, यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। उसके बाद आपको जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ये आपके पास कितने कंप्यूटर्स है वो डाल दीजिए, आपके पास ऑपरेटर या एम्प्लॉइज कितने वो डाल दीजिए, आप क्या क्या सर्विस लेना चाहते हैं, जिस तरह से इसमें मल्टीपल चॉइस चाहिए इसको आप, इसमें सभी चॉइस से एक चॉइस या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास इंग्रेडिएंट है तो इंग्रेडिएंट कर दीजिए, लेज़र है तो लेज़र, पीवीसी कार्ड प्रिंटिंग मशीन है तो वो कर दीजिए, स्कैनर स्कैनर कर दीजिए, वेबकैम आपके पास अगर ईरीज है तो ईरीज कर दीजिए, बायोमेट्रिक है तो वो कर दीजिए, स्मार्टफोन अगर होगा तो वो कर दीजिए। और आप यहाँ पर कौन कौन सर्विस लेना चाहते हैं, यहाँ पर आधार लेना चाहते हैं, सभी कर दीजिए आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ बैंकिंग करस्पॉन्डेंट यहाँ पे क्लिक मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वो क्यू कोड जो आपसे मांगता है तो यहाँ पे क्लिक हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे CSC ID आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसके बाद एग्री एंड सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से दिखेगा वो। इस तरह से आपको एप्लीकेशन नंबर दिखेगा जो आप यहां से देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन नंबर मेरे पास, अगर आप हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए जो भविष्य में आपको जो है काम में आएगा। उसके बाद जो है आपको इसका ईमेल भी आपको मिल जाएगा, आपके ईमेल आईडी पे आपको मेल आ जाएगा उसका CC ID का। इस ID एप्लीकेशन नंबर से आप जो है अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपको मतलब तब कहाँ पर आपको चेक करना है वो। और एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आपको एंड्रॉइड मोबाइल में अगर आपको CSC के लिए फॉर्म भरना है ऑनलाइन, तो आपको मोज़िला फायरफॉक्स में ही वो काम करना होगा। आपको बता देता हूँ, मैं गूगल का इंटरनेट जो है वो काम ठीक तरह से इसमें नहीं करता है। इसमें जो ठीक तरह से काम नहीं करता है तो आप मोज़िला में उसका जो है ओपन कीजिए। मैं देख लेता हूँ इसके अंदर स्टेटस, आप जा सकते register.cc.gov.in। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन स्टेटस में अपना जो है एप्लीकेशन नंबर डाल के कैप्चर कोड डाल के सबमिट कर दीजिए, आपको जो है अपना स्टेटस दिख जाएगा। अगर हो सके तो आप अपने ये स्टेटस PC में ही चेक कीजिए, क्योंकि इसमें जो है एप्लीकेशन नंबर आप डालने में दिक्कत होती है। तो अगर हो सके तो अपने दोस्त के पास या कहीं 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए अगर कोई कैफे में चले जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है CSC रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू।